गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनिका मैदी हसन, MLA फ्रॉम NA 67 हाफिजाबाद। मैदी हसन भट्टी की बेटी हूँ। मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैंने चूंकि आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, उसके बाद मैंने वोट नहीं दिया। इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मैं इस हकूमत को मानती ही नहीं हूँ। ये 47 की पैदावार हकूमत है और हमें इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी करना है, हमें मुल्क के लिए भी काम करना है, हमें 47 हकूमत को सपोर्ट नहीं करना। इस वजह से मैं उस तरमीम का हिस्सा नहीं बनी। उसके बाद से इस हकूमत ने, 47 की पैदावार हकूमत ने, जो जुल्म ढा सकती थी, जितना जबर कर सकती थी, जितनी फस्ताइयत का मुजाहरा कर सकती थी, इन्होंने मेरे पे, मेरे ख़ानदान पे, मेरे गांव वालों पे, मेरे रिश्तेदारों पर किया है। लेकिन इनको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इनकी इन हरकतों से हम बाज नहीं आएंगे। मुझे मुल्क के लिए काम करना है, मुझे खान के लिए काम करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए काम करना है, मुझे अपनी नस्लों के लिए काम करना है। मैं इतना अर्ज़ करूँगी कि मोहतरमा मेरी जो ओपोनेंट थी, जिनको मेरी आवाम ने, ज़िला हाफिजाबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया है, उन्होंने एक कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इतने इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे ख़ानदान पर कि ये बिजली चोर हैं, ये पानी चोर हैं, ये गैस चोर है। मोहतरमा, मेरे वालिद साहब ने तो आज तक करप्शन भी नहीं की है, तो चोरी क्या करेंगे? सबको पता है ज़िले में कि हम कितने बड़े चोर हैं। अपनी चोरी छुपाने के लिए जो आपने PMLN ने 47 का मैंडेट हमारा चोरी करके 47 की हकूमत कायम की है, उसको छुपाने के लिए ये हथकंडे नहीं इस्तेमाल होंगे। क्योंकि ज़िला हाफिजाबाद की आवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, वो अभी आपकी इस सियासत पर एतमाद नहीं करती है। तो जो आपने इतने इतने लंबे बिल्स दिखाए हैं, उनका आज हम आपको जवाब देना चाहते थे। हम, मेरे वालिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सहाफ़ी हजरात को बुलाया था और हमने अपने घर में ड्राइंग रूम में सहाफ़ियों को बिठाया था। और ये इतनी डरी हुई हुकूमत है कि इनके साथ क्या होने वाला है, ये उससे इतनी डर चुकी हैं कि अब ये इस तरह के हथकंडों पर उतर आएंगे। हमारे घर के अंदर 50 से 60 पुलिस वाले आए हैं, सहाफ़ियों को हरासा किया, उनको धक्के दिए, उनको बाहर निकाला है। क्यों? क्या पाकिस्तान के 1973 के आयन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी की दिन दिहाड़े चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए? किसी के पास कोई नोटिस था मेरे घर के अंदर एंटर होने का, हमें हरासा करने का? इस डर और खौफ, इस तरह की हरकतों से हम नहीं डरेंगे। ये आपको डर है, आपको खौफ है कि कहीं आप लोग पकड़े ना जाएं। तो मोहतरमा, आप मेरी बहन हैं, मैंने आपको बहन कहा है, लेकिन इस तरह का मुकाबला औरतें औरतों के साथ नहीं करती हैं। ये ज़िला हाफिजाबाद की आवाम है, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है और आपको रिजेक्ट किया है। तो इस तरह की अगर हथकंडे आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी अगली भी सियासत तबाह कर रही हैं, आप अपने फ्यूचर को भी तबाह कर रही हैं, आप अपने वालिद की माजी की सियासत को भी ख़राब कर रही हैं। तो मैं चीफ जस्टिस से, अपने अदलिया से ये अपील करती हूँ। कल मैंने एक हैरेसमेंट की परसों पिटीशन दायर की थी, कल जज साहब ने, हाई कोर्ट ने मेरे हक में ऑर्डर किए कि ज़िला हाफिजाबाद की कोई पुलिस मेरे घर, मेरे गांव नहीं आएगी। उन्होंने वाजे ऑर्डर दिया और आज एक दिन बाद उस ऑर्डर को इस हाफिजाबाद की पुलिस इंतज़ामिया ने इस तरह वायलेट किया है कि मैं इंशाल्लाह आगे भी इस ऑर्डर को चैलेंज करूंगी और मैं बताऊंगी कि किसी शरीफ के घर में दिन दिहाड़े कैसे एंटर होते हैं। तो ये सब कुछ हमारे साथ सीएम साहिबा की एमा पर, मोहतरमा सायरा अफजल तारड़,
नामी ग्रामी जो पुरानी सियासतदान है वो करा रही हैं। तो अब ये वो दौर नहीं है, अब लोगों के पास सोशल मीडिया शौर है। लें, आपने हमें उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे घर में साफियों के सामने नहीं करने दी, तो हम वीडियो बना रहे हैं। रोक लें, इसको कैसे रोकेंगी? सोशल मीडिया पे इंतजामिया इस वीडियो को कैसे रोकेगी? हमने जितना 2 साल से जबर का मुकाबला किया है, आप लोगों के जुल्म का मुकाबला किया है, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। ले आप हमें रोक लें, कैसे रोकेंगी आप हमें? मेरा आपको ये वाजे पैगाम है कि इस तरह के ओछे हथकंडों से गैस चोर, कुछ पानी चोर, इस तरह के आप अल्फाज बोलेंगे, इस तरह की किसी पे गंद उछालेंगी, तो हल्का, हमारे हल्का की आवाम आपको इस पे जलील करेगी और आप रुसवाई आपका मुकद्दर बनेंगी। और आप एक औरत है, मेरी आपको सजेशन है कि आप भी सियासतदान है, मैं भी सियासतदान हूँ, बाइज्जत तरीके, इज्जतदार वाली और ख़ानदानी सियासत करें। इस तरह की सियासत ना करें कि जिसमें रुसवाई आपका मुकद्दर बने या सीएम साहिबा का मुकद्दर बने। इंशाल्लाह 4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि हक और सच का कैसे बुलंद बोलबाला होता है, कैसे हक की जीत होती है। हमने तो पहले भी ये सब कुछ बियर किया हुआ है, लेकिन आप इतना हमें वो तोहफा दें कि जितना कल को ले सके। मोहतरमा, मैं आपसे वाजे वाजे कहती हूँ कि आप इतना हमें दें जितना कल को बर्दाश्त कर सके। ये ना हो कि आपसे बर्दाश्त ना हो। आपके सर पर वालिद का साया नहीं है, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह हयात है, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे। आपको और एक बेटी और उसके बाप को जलील करके कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।